नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं अपराजिता के बीज आपको ग्रो करके दिखाऊंगी और ये बहुत ही बढ़िया टाइम है अपराजिता के बीज ग्रो करने का। बहुत ही अच्छी बेल होती है और नीले सफ़ेद दो रंगों में ये होती है। इसके ऊपर कई मेरी वीडियो भी हैं, बहुत ही सुंदर और इसको बहुत ज़्यादा लकी भी माना जाता है। तो इसको बीज से ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसके बीज जो फली लगी होती है, इसकी जो बेल होती है उसी पर, तो लगभग फरवरी में ये फली बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाती है। तो हम इनको तोड़ कर रख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं फरवरी मार्च में बहुत बढ़िया टाइम है इनको ग्रो करने का। तो मेरे पास सीड्स रखे हुए हैं मेरी अपराजिता जो पहले थी उसके, तो वो ही मैं ग्रो करूँगी। देखिए इस तरह से फली होती है और एक फली में लगभग 8 से 10 बीज होते हैं। तो इसके लिए मिट्टी आप जो बनाएं, मिट्टी में थोड़ा सैंड मिला लें और हल्की फुल्की खाद डाल लें। बीज ग्रो करने के टाइम पर बहुत ज़्यादा खाद अगर ना भी डालें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सैंड मिला लें। मिट्टी एकदम पोरस होनी चाहिए। तो ये इस फली में जो बीज निकले हैं वो मैं इसमें ग्रो करूँगी। मिट्टी अगर आपके यहाँ की रेतीली है, सॉफ्ट है, तो ज़रूरत नहीं है रेत मिलाने की, लेकिन अगर हार्ड मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सैंड मिला लें या फिर कोकोपीट मिला लें तो बीज अच्छे से जल्दी से ग्रो होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस गमले में मैं ये सारे बीज लगा दूंगी और बीज को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। साइड में जो मिट्टी है वो इनके ऊपर डाल दूंगी। तो बस हल्के हल्के से मिट्टी डालनी है आपको और बहुत ज़्यादा प्रेशर से बीज को दबाना नहीं है। तो इस तरह से करने के बाद हल्का सा पानी इनके ऊपर छिड़केंगे ताकि मिट्टी सेट हो जाए। एकदम से ज़्यादा पानी ना दें क्योंकि ज़्यादा पानी से बीज हिल सकते हैं। और वेट करेंगे कि हमारे जो बीज है वो कितने दिन में उगते हैं। गमले को धूप में ही रखें, बीज उगने के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। तो आज लगभग 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन में ये बीज उगना शुरू हुए हैं। कुछ एक दो तो उग भी गए हैं, कुछ अभी उग रहे हैं, यानी कि अभी हमें और वेट करना होगा। और ये गमला मेरा धूप में ही रखा है। लगभग सारे ही बीज हमारे उग रहे हैं, तो अभी और 5-7 दिन बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों आज पूरे 16-17 दिन हो गए हैं और कई जो इसके पौधे हैं उनमें से तो तीसरी पत्ती भी निकलना शुरू हो गई है और कुछ अभी भी उग रहे हैं। तो वो कभी भी बीज एक साथ सारे नहीं उगते, कुछ तो जल्दी उग जाते हैं, कुछ थोड़ा लेट उगते हैं। तो लेकिन जितने भी मैंने बीज इसमें लगाए थे लगभग सारे ही बीज ग्रो हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है अपराजिता को बीज से ग्रो करने का। और लगभग आज 16-17 दिन बाद का ही रिजल्ट है। अब इसमें तीसरी पत्ती आने लग गई है। जो प्लांट्स उनमें बहुत ही जल्दी जल्दी पत्तियां आती हैं और लगभग जब 3-4 इंच के पौधे हो जाएंगे तो हम इनको निकाल कर किसी भी गमले में या फिर जहाँ भी हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ी सी अच्छी मिट्टी बनाएंगे, खाद 40% मिट्टी में मिलाएंगे और लगा देंगे। बहुत ही जल्दी ये बेल फैल जाती है, बहुत ही अच्छी सुंदर लगती है, बहुत सारे इस पर फूल आते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग सभी बीज उग गए हैं, कुछ अभी थोड़ा लेट है लेकिन कुछ जल्दी। तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया, आप आसानी से अपराजिता के बीज ग्रो कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको इसके बीज मिले तो आप ले लें और इसको बीज से ग्रो करें बिल्कुल। अगर आपके यहाँ है तो उसके बीज रख लें। ये अगर ख़राब भी हो जाती है तो आसानी से आप नेक्स्ट सीजन में इसको बीज से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड की वजह से कभी कभी ये ख़राब भी हो जाती है। तो आप मार्च के महीने में दोबारा से इसको ग्रो कर लें। छोटी सी बेल पर ही फूल आने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर नीले कलर के फूल आते हैं। डबल प्लेट वाली ये अपराजिता है मेरे पास, ये बहुत ही लकी और बहुत ही शुभ बेल मानी जाती है। तो इस तरह से अपराजिता को हम बीज से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 5-6 घंटे धूप इसको चाहिए तभी अच्छे से ग्रो होगी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।